तो वीकनेस भी इतना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे पापा और बेटा को देख सकते हैं, करवट लेकर के सो रहा है मेरा बेटा। उनकी क्या बातें चल रही है मुझे यहाँ तक आवाज नहीं आ रही है। ये पापा और बेटे की सिगरेट है, फुसुर फुसुर चल रहा है जो कि हमको यहाँ तक सुनाई नहीं दे रहा है। बाबू उठता है और फिर सो जाता है। अभी हमको इतनी तेज भूख लगी थी ना कि अभी हम किचन गए, देखे दो रोटी रखा हुआ है, उसको गर्म किए और नमक डाल के हम खा लिए क्योंकि सब अभी खत्म हो चुका था। मम्मी बोली है कि अभी मैगी बनाएंगे लेकिन हम मैगी नहीं खा सकते हैं। पतिदेव के लिए मैगी बन रहा है और भी कुछ कुछ चीजें बन रही है। हम सोचे जल्दी से क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पहले हमको भूख लगता ही नहीं था और अभी इतना भूख लग रहा है ना शाम के टाइम में स्पेशली हमको बहुत ज्यादा भूख लगता है। दो रोटी खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा, सोच सकते हमको कितना भूख लगा होगा। तो हमने ये दाल लिया, सोचे दाल पियेंगे तो पेट भर जाएगा। अभी इन लोगों के पूरे मौज है, अच्छी अच्छी चीजें बनती है। मम्मी आई है घर पे तो अच्छी चीजें बनती है और ये लोग खाते हैं और हम सामने से देखते हैं, है ना। अभी आम बैठ के खा रहे थे सामने से और हम बस देख रहे थे। कोई बात नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा बहुत जल्द खाने का सब कुछ। और जब खाने का टाइम था तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अब खाने का मन करता है तो खाने मिलता नहीं है, है ना बेटा। उसका लग रहा है सोया हुआ हो चुका है। अच्छा, अब ये खेलने के मूड में। खेलो पापा के साथ, वैसे भी पापा बोलते हैं कि खेलता नहीं है ये, सोया रहता है। अब इसका सोना भी जरूरी है, पहला मंथ है। अभी मम्मी गई थी दुकान, दुकान से क्या क्या लाए मम्मी? अभी मैगी लेके आए हैं, सूजी बोली थी तो हमने भूल गया, फिर दीदी को भेज दिए सूजी लेने। सूजी आ जाए तो आगे हलवा बनाना है। कोई इतना तेज भूख लगा था दो रोटी पेट नहीं भरा, वैसे हम दो रोटी खाते। अभी हलवा बनाएंगे, खा लेना। तो आए जल्दी जल्दी से रोटी, आप बोल के गए थे रोटी या नमक भी खा सकती हो, भूख लगे तेज तो हम रोटी नमक खाए। दाल लिए पीने के लिए, दाल पी लो पेट भर जाएगा, ठीक है खूब खाया करो। मम्मी को कोई नहीं मिला दुकान जाने के लिए क्योंकि सब बीमार है, तो मम्मी खुद चली गई। मम्मी बनाएगी मैगी, सभी लोग खाएंगे और मैं सबका मुंह देखूंगी। क्योंकि इसको मैदा का सामान नहीं देंगे अभी खाने के लिए। हाँ। डॉक्टर कुछ भी कहे कि सब कुछ दीजिए, लेकिन जो सब कुछ मैं सब कुछ ये खा सकती है। हाँ। मैदा वैदा नहीं देंगे, फिर बाद में बाकी चीज तो इसे भी आप लोग जानते हैं ये नहीं खाएगी अभी। और ये बोल क्या रहे थे कल मैगी इतना टेस्टी बनाई थी मम्मी, बोले बा मेरे सामने मत बोल। फिर ये इसके दो तीन महीना निकल जाए, बाबू थोड़ा बड़ा हो जाए, हाँ तब खाएंगे। फिर मैं तीज में फिर आऊंगी दिल्ली से, फिर इसको मैं जो जो कहेगी ये बना के दूंगी। यहाँ पे इनका सर दर्द हो रहा है, ये देख सकते हैं तकिया माथा पे लेके बैठे। और एक बार तो मम्मी गई दुकान, एक बार माँ गई दुकान, अलग अलग। इनका तबीयत खराब है तो थोड़ा सा माँ माँ हमेशा कहती है कि जितना है नहीं उतना ज्यादा नौटंकी करते हैं, इसलिए कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसने 100 रुपया लौटा दिए। सूजी है, ये चीनी है, सेब है, 100 नमकीन पुराने के लिए 2 मैगी और ले लो। का एक मच्छर वाला अगरबत्ती। तो एक बार मम्मी गई दुकान, एक बार माँ गई दुकान, दो दो बार दोनों बहन है। हम सोचे दोनों आदमी 50-50 काम करते हैं। एक बार राजा रानी को देख लेते, एक बार माँ जब भी आएंगी छत पे बाबू को एक बार देख लेंगी फिर चल जाएंगे। अब जाते हैं सांस देने के लिए भगवान। फिर सो गया, सो गया, रात में करेगा नॉट। सुनो आने जगह नहीं जगोगे तो बहुत मारेंगे तुमको, रात में अगर जगा तो। बाबू उठो, दुश्मन को अरे तुम हमें जगाता है, ये जगेंगे उठा के बैठाएंगे। अभी हमारे मैगी बना के यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग मैगी खा लिए और मम्मी हवा में बैठी हुई है। मम्मी पसीना से पसीना बहुत है, हम सोच रहे थे आलू का पराठा खिला दे, तबीयत ठीक नहीं है। मोनू कह रहा है जो कि आज मन से नहीं खा पाएंगे, कल बनाना, वही सोच रहे हैं बनाए कि नहीं बनाए। और ये बोल रहे हैं कि हमको खाने का मन है। अब एक बेटा कह रहा है नहीं मन है, एक कह रहा है खाने का मन है, बना देंगे। जब सब कोई खाए तभी बनाता है, मन होगा तुम्हारा तो हमें क्या है, बना देंगे। हम तो ऐसे भी बनाते हैं, जिसको जो खाने का मन होता है उतना तरह। मम्मी इन सब चीजों में वैसे बहुत एक्सपर्ट है। और इधर इनका देख सकते हैं तबीयत खराब है, फिर भी इनको काम करना पड़ रहा है। 2-3 दिन से डाल नहीं पाया वीडियो, तबीयत इसका बहुत ही ज्यादा खराब हो गया फीवर। और आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, वजह से ये कोई काम नहीं कर पा रहे, ना अपना काम ना वीडियो कुछ भी, है ना, फुल रेस्ट। थोड़ा हम चाह रहे हैं कि हम ना पराठा वराठा बनाएंगे तो पसीना
जितना उतना चलेगा। बहुत समझ रही कितने पतली है, मैं इतनी मोटी हूँ, ये सोच रही मैं भी थोड़ा सा दुबली हो जाओ, बहुत दोनों मोटी हो जाए, क्या करे, देखो हो नहीं पा रहा है, दुबली हो रहे हैं ना वो लोग, मोटी हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाएंगे आपके समय होते होते। और इधर मैं वॉक कर रही हूँ क्योंकि बाबू अभी थोड़ा सोया हुआ है, सुला दिए धूप पिला के, और यहाँ पे हम थोड़ा वॉक करें क्योंकि सब कोई बोल रहे हैं कि वॉक करने से जल्दी रिकवर हो जाओगी। इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ज्यादा चल पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना चल पाए, जब टाइम मिलता है तो हम चलते हैं, और आगे देखिए कितना जल्दी हम रिकवर करते हैं। और आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी से हम रिकवर हो जाए और हम अपना सारा काम खुद से कर पाए। और मम्मी कह रही है कि तुम कितनी दुबली हो गई हो, तो हम बोले एक दीदी भी हो गई है, नैन्सी दीदी कितनी दुबली हो गई है, हम तो दुबले थे ही लेकिन हम अपने मोटा से बहुत ज्यादा खुश, लोग अपने मोटापा से खुश नहीं होता है, नहीं मम्मी? हम बहुत खुश थे कि हम मोटे हो गए थे प्रेगनेंसी में और फिर अब पतले हो गए, अपने औकात में आ गए। तो मम्मी कह रही है फिर से मोटी हो जाओ, तो कोशिश कर रहे हैं कि मोटी हो जाए। काम वाले भी नहीं आ पाती है, क्या करें, बर्तन धो रहे हैं हम दोनों बहन मिल के, बहू बीमार है, एक बहू मेरी बहुत पतली है, उसका भी थोड़ा तबीयत खराब हो गया, अभी घर में सबका तबीयत खराब हो गया, के बारे में आप जानते ही हैं, वो तो बेचारी अभी वैसे भी बीमार है। हाँ, और हम इसलिए वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो नहीं आता है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के पास वीडियो जाए। और उनकी तबीयत खराब है तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हमसे ज्यादा उनकी तबीयत है ना मम्मी? सबका नाश्ता तो हो गया, खाने की तैयारी की जा रही है, तो मम्मी क्या बना रहे हैं आज? आज वही आलू का पराठा बना रहे हैं, बस हम तो पसंद से खाता है। हाँ, बहुत, लेकिन अभी तबीयत खराब है तो ज्यादा नहीं खा पाएगा, ज्यादा नहीं खा पाएगा तो घर नहीं बनाना, पसंद तो बहुत है। हाँ, सोनू कहे कि हम खाएंगे, उसका तबीयत नहीं खराब है, दोनों बेटा में से है तो बना देंगे, इनका तबीयत खराब है तो इनको मन कर रहा है चटपटा खाने का, इसलिए बना देंगे, क्योंकि इनको फीवर है, फीवर में तो मन करता है चटपटा खाने का, तो मम्मी इधर बना रही है, वो खा देगा। और ऐसे मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है। अब ये मत बोलिएगा कि तुम खाने के लिए बनवाने के लिए बोलती हो, ना ये नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हम नहीं खाएंगे। तो परवल आलू की जब ये सब्जी बनाती है ना, रस वाली, रस वाली सब्जी मैं उसे भी पसंद करती हूँ, लेकिन जिया जो बनाती है हम बहुत ही आराम से, बहुत ही मजे से खाते हैं। तो मम्मी को मेरे हाथ का सब्जी अच्छा लगता है, तो वैसे ही मम्मी के हाथ का हमको आलू पराठा और दाल वाला जो पूरी बनाती है, ये दोनों बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते, है ना मम्मी? नहीं, अभी नहीं खाओगे, फिर लौट के आएंगे ना, तब खिलाएंगे, फिर खिलाएंगे। हर वीडियो में हम दाल की पूरी जरूर बनाते हैं कि हमारी बहू को बहुत पसंद है। हाँ। और दाल की पूरी मेरी बड़ी बहू खाती है और आलू की पूरी छोटी बहू। वैसे हमको सबके यहाँ का दाल पूरी अच्छा नहीं लगता, हम खाते नहीं थे, लेकिन एक बार मम्मी के यहाँ का खाए तो हमको अच्छा लगने लगा, और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगने लगा। हुआ था एक दिन पहले ये बोली थी, जिस रोज बाबू होने वाला था ना, खिला दीजिए मम्मी, हम ठीक है आज बना देते हैं, खिला दिए, संतोष से बाबू भी मेरा खा लिया। इसी रात, मतलब जिस दिन सुबह बाबू हुआ था, रात पूरी मम्मी से बोल के खाए थे, और फिर बाद में जब बाबू आ गया, हम सोच रहे थे थोड़ा और क्यों नहीं खा लिए, और हम खा लेते, हमें बहुत ज्यादा पसंद है, रात में खाए और सुबह बाबू आ गया। मम्मी कहीं नहीं जा रही है, मम्मी तुम लोग के साथ ही रहती है, देख लेती हो, ज्यादा बेटी पास रहती है, तुम लोग की कहना है, दोरानी जेठानी हो, वो अकेले है, वो अकेले है तो आधा उसके साथ रहेंगे, तुम लोग तीन भाग रहेंगे, तुम लोग इसलिए मम्मी ज्यादा रहती है अपनी बेटी के पास। तो हमें तो मम्मी के हाथ का आलू पराठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग से रेसिपी शेयर करते हैं, आप लोग भी बताइएगा कि मम्मी के हाथ का आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी, तो दिखाते हैं आप। अभी है मम्मी आलू धो ली है और उबालेंगी, उसके बाद फिर इसको क्या सब मिलाएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, तो आगे अभी हरी धनिया की पत्ती नहीं मिल रहा है जो नहीं डालेंगे। अब जा रहा है बाबू दादी के पास, मर लग बेटिया का, आगे मार छोनमन बेटी, दादी का हमेशा ढूंढते रहता है इसलिए कि घूमने को मिल जाए, के मार लग बेटिया का, अब देख लिया कि दादी है मेरी, बाबू मैगी खाया, खाने लगा छोनमन, तब मुंह का दाल दिएगा छोनमन, जब मुंह के दाल छोनमन पीलेगा तो एक साल में छोनमन रोटी का पपड़ा खाएगा, दाल रोटी हमारा पोता, दाल रोटी हमारा पोता खाएगा तो मोटा, कितना मोटा हो जाए, तीत का श्याम देव रहा दादा जिसका मोटा, दादी का लड़की खोजने लगी। तो बाबू जा रहा है नीचे, दादी आ गई इनकी, तो शादी भी आके खोजने लगेंगे, पापा को बोलो भगवान से, आपको तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, जल्दी ठीक कर दे ताकि मेरे पापा ठीक हो जाए, तो अच्छा अच्छा चीज खाने को छोड़ जाएंगे, तो आपके पापा अभी भी ठीक है, मंदिर तुम अब तक तोरा बोर्ड पर लागल रहो जे लिखल छो, बच्चा सब छोटे छोटे जात रहे, पहले निर्जा कुमारी निर्जा, कुमारी निर्जा बोर्ड पर लिखल सब बच्चा पढ़ गए, बेल भी बजा के भाग जाता है, दोनों बहन मिल के मैं पोता को ऐसे करके फोटो खींच देना हमारा ऐसे करके जुन्नू लाल को,
एग्जाम छोड़ के जाएगा। इसका एक सौ नाम है झुन्नू लाल। दोनों हमारा पहला पोता है, वो दो नाती एक पोती एक पोता हो गया। अब हमें कोई चीज नहीं चाहिए, अब हम बहुत खुश हैं। सबको भगवान बंस दे। अभी दो को होगा ना, पोता तो हो ही गया ना। सोनमन धूप पीता है, अभी खाना नहीं देंगे आप खाने के लिए। मानती है कलर की तरह। अब ना दादी है ना, छीन लेती है मुझसे। अब मैं जाती हूँ, दो घंटे मैं वहाँ रखूँ तब खा के। उसमें बिस्लरी है, हरी धनिया थोड़ा सा नमक डालेंगे, आमचूर नहीं है, उसके बदला धनिया डाल देंगे। जैसे ये है डाल के मिला देंगे, आलू का पराठा बनाएंगे। आमचूर दे देते हैं, आमचूर नहीं है, उसके बदले में अभी तो ताजा आम आ रहा है, आम डाल दो। आम यहाँ डल गया। अब इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं, हरी धनिया पता नहीं है, जो है उसी से आप बना लीजिए। हम तो ऐसे ही जोड़ आता है उसी में बना लेते हैं, तो घर में जितना सामान है उतने में बना लेते हैं, जितना स्वाद है ना। सारा अपना नमक डालिए, आलू के पराठा वैसे हर आदमी बना लेते हैं, इसमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सबका बनाने का एक ही तरीका होगा शायद मेरे समझ से। सरसों के तेल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ना, टेस्ट उसे अच्छा आता है। पराठा बनाते हैं, हो सकता है आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे। तरीका है जिसमें हम आलू भर के बनाते हैं, किसी और दिन उसे खाएंगे। और एक ऐसे दो रोटी ऐसे गोली बना के इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा आप आलू जितना मर्जी उतना भर सकते हो। ऐसे बना देते हैं कि आदमी एक दो खाते खाते आदमी, हमें बनाना कम पड़े इसलिए मैं ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा बनाती हूँ। ये वाला ज्यादा हाँ, ये वाला है कि हमारे बच्चे सबको ज्यादा पसंद है, तो थोड़ा हम हंसी मजाक कर ही लेते हैं, तभी तो आप लोग को मन लगता है। अपने घर में जब भी कटिहार आते हैं, इसका हमारा वैसे तो सर्दी में ज्यादा आदमी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे आने के बाद इसका कोई मौसम नहीं होता है। जब मर्जी तब बच्चे सबको होता है कि मम्मी बनाओ। अभी ये हो गया, इधर हमने सेवई बना दिया बच्चों के लिए। हमारे वकील साहब शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए हमने चना के दाल उबाल के रख दिए, उनके लिए ये बना देंगे। जिया बेचारी अभी ज्यादा मिर्ची और नहीं खाती है बच्चे को, जैसे उनको हल्का मिर्ची उर्ची आलू बना के जिया के लिए अलग तैयार कर दी। पराठा रेडी हो गया, चलिए खाने के लिए। यहाँ पे सोए हुए हैं, कुछ देर में ठीक है। The next day. अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9, कुछ देर पहले ही सो करके उठे हैं। बउआ जो है अभी अभी अपना भोजन लिया है, और भोजन लेने के बाद जैसे ही इसको बेड पे डाला गया रोना स्टार्ट कर दिया, तो अब इसको लेकर के जो है यहाँ पर घुमाया जा रहा है। और हम भी आज निकलेंगे डॉक्टर के पास, अपना नंबर तो लगवा दिया है, और वहाँ जा करके देखते हैं, क्योंकि फीवर नहीं उतरा, तो सोच रहे थे दवा खाने के बाद फीवर उतर जाएगा, नहीं उतरा फीवर। अभी तो स्थिति सही है, लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगी रात हो जाएगी पूरा मेरा पारा ऊपर चढ़ जाता है, अंदर से जो जलन होता है ना इतना तेज शरीर चलता है अंदर से कि पूछिए मत। आज रात हम 12 बजे उठे थे, क्योंकि बीच में एक बार बिजली चली गई। हम आए देखने के लिए कि बाबू साहब को कहीं दिक्कत ना हो, लेकिन इन्वर्टर का कनेक्शन से जो है एक पंखा लगा हुआ था, तो वही हम सेट करने आ गए थे। हुआ ये, मम्मी जो है एक बार अचानक मेरे सिर पर हाथ देख करके चेक की कि इसका कैसा है कंडीशन, तो वो तो देखी कि तुम्हारा शरीर तो बहुत जल रहा है, बहुत हीट है तुम्हारा माथा, तब तुरंत एक और दवा दी हमको, तो वो खा करके सोए। थोड़ी देर के लिए फीवर उतरा, लेकिन हम जानते हैं फिर रात शाम तक वही हाल होगा। इससे अच्छा है कि डॉक्टर के पास ही चले जाए, तो जाएंगे। हम सोचे कि एक आध दिन जो है दवा पर रह जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ देख रहे हैं, क्या हुआ, अब जाएंगे डॉक्टर के पास। कुछ ब्रेकफास्ट कर लिया, अब इसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास। कुछ तो ताकत आई है शरीर में खाने के बाद, लेकिन कमजोरी अभी भी बहुत है। अब सीधा चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास तो दिखवा लिया जी, उन्होंने कुछ जांच लिखा है, अपना ब्लड सैंपल दे दिया है, तो 3-4 जांच है, लेकिन एक ब्लड के सैंपल से चारों जांच हो जाएंगे। 2 hours later. 1.5 घंटे वेट करने के बाद जो है हमारा रिपोर्ट आया है, और अब जाना है मुझे अंदर, तो डॉक्टर देखते हैं क्या कहते हैं और रिपोर्ट में क्या आया है वो भी पता चल जाएगा। 2 moments later. डॉक्टर से तो दिखवा लिया जी, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम है जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और टाइफाइड, जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों लेकर के बैठे हुए हैं। बाबू माँ बेटा का लाड़ प्यार चल रहा है क्या?
हम नहा धो के दे दिए। हम कहे धीरे धीरे बाबू को पाउडर लगा दो, दूध पिला दिए, कपड़ा पहन लेता है। करेगी जी अपने बच्चे को, क्योंकि अब ना ये दादी चली जाएगी, फिर वो दादी आती है, बच्चे को बेचारी अपना खिला लेती है, फिर बच्चे को दूध पिलाती है चम्मच से। अब बाबा आते हैं कोर्ट से, फिर बाबा भी प्यार करते हैं। एक बार भी नहीं है जो घर में कोई भी आदमी कोई काम करते हैं बाबू को छोड़ के। जो आते हैं जहीं से बाबू को ले लेते हैं। किचन में रितु, किचन में क्या बना रही हो? चावल बन रहा है। और आज क्या सब खाना बना है ये बताओ? चोखा। वाह, अब तुम खाना बनाओ बहुरानी। अब तो सास उसको कितना काम करेगी सास। अब तो हमारी दोनों बहू आ गई है, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है घर का। अब तो हमको फुर्सत ही फुर्सत है।